प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, यह हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम्। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम्। मोक्ष को तुम समझो, मोक्ष माने ऐसा तुम्हारे दिमाग में कुछ कल्पना है, मोक्ष माने ऐसा ही कुछ हो जाए क्या? मोक्ष तो कदम कदम पर है जीवन में। जैसे भीतर लेने वाली सांस यदि कामना हो तो बाहर छोड़ने वाली सांस मोक्ष है। या भोजन का कामना तुम्हारे भीतर उठी, मान लो ठीक है, तुम भोजन करने बैठे, थोड़ी देर के बाद तुम उससे मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते? जैसे वो कामना पूर्ति हुई उसके बाद भी यदि वो क्रिया चालू रहे तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं बस, बोलोगे कि नहीं? तो काम के पीछे पीछे मोक्ष है। किसी भी इंद्रिय वस्तु को मोक्ष तत्काल जरूरत पड़ जाती है। कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हो, कहां तक देखोगे? आंखों को ऐसे रखे देखते रहोगे? देखते रहो क्या होगा? आंख बंद हो जाएगी। तो दृश्य से मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह श्रवण, म्यूजिक सुनते जाओ सुनते जाओ, कहां तक सुने? 24 घंटे में भाई बंद करो, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा माउन रखो, बोलते हो कि नहीं बोलते? इसी तरह त्वचा की स्पर्श का कहां तक स्पर्श का सुख भोगोगे? कितने देर तक हाथ पकड़ के रखोगे, गले लगे के लगा के रखोगे किसी को? थोड़ी देर बाद तो बोलो तुम बैठो मैं बैठता हूं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये स्वाभाविक है। जैसे भीतर लेने वाली सांस और उसके साथ साथ बाहर निश्वास होता है, इस तरह से काम और मोक्ष साथ साथ चलते हैं।